पूरी क्रिकेट को तबाह कर दिया है। तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं मुझे ये बता। बाबर आजम इज अ स्टार नो मोर, कम से कम मेरे लिए तो वो स्टार नहीं। इसके लिए तो वो स्टार। बाबर आजम की कैप्टेंसी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे से हारी, आयरलैंड से हारी, न्यूजीलैंड की सी टीम से हारी और यहां तक के वर्ल्ड कप में यूएसए से भी हारी। बट इसी बाबर आजम की कैप्टेंसी में पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया। बाबर आजम की ही कैप्टेंसी में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा T20 मैचेस जीते। बाबर आजम की कैप्टेंसी में पाकिस्तान की विनिंग परसेंटेज दी ग्रेट इमरान खान से भी बेटर है। बाबर आजम की ही कैप्टेंसी में पाकिस्तान टीम ODI में नंबर वन रैंकिंग पर आई और ये सब रिकॉर्ड्स होने के बावजूद बाबर आजम पाकिस्तान को एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जितवा पाए। कैसे? क्या आपने पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी जीती जिस पे लिखा हो विनर? आपने क्या ये ट्रॉफी जीती? नहीं। क्या पाकिस्तान टीम को दोस्ती यारी ने डिस्ट्रॉय कर दिया? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई बाबर आजम एक फेल्ड कैप्टन है। तो फिर शुरू करते हैं। 4 सितंबर 2019 सरफराज अहमद को ड्रॉप करके बाबर आजम को व्हाइट बॉल क्रिकेट का कैप्टन बना दिया जाता है और अजहर अली को रेड बॉल का। बाबर आजम की कैप्टेंसी में पाकिस्तान टीम T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जिसकी वजह से बाद में उन्हें तीनों फॉर्मेट्स की कैप्टेंसी दे दी गई। फिर आया T20 वर्ल्ड कप 2021, जिसमें पाकिस्तान टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। यही वो वर्ल्ड कप था जिसमें पहली बार पाकिस्तान ने इंडिया को वर्ल्ड कप के किसी मैच में हराया था। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहले राउंड में अनबीटन रहते हुए सेमीफाइनल पहुंची, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में हार जाती है और इसी साल बाबर आजम विराट कोहली को ODI रैंकिंग में पीछे करके नंबर वन ODI बैट्समैन बन जाते हैं। पाकिस्तान का विनिंग परसेंटेज तो बहुत अच्छा था, बट वही बात कि नो ICC ट्रॉफी। उसके बाद पाकिस्तान टीम 2022 के एशिया कप के फाइनल में भी पहुंचती है, बट फाइनल में फिर पाकिस्तान हार जाती है। वंस अगेन 2022 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंचती है, बट फाइनल में जीत नहीं सकती। 2022 तक पाकिस्तान टीम बाबर की कैप्टेंसी में स्टेबल थी, बट उसके बाद एक्स क्रिकेटर्स ने शोर मचाना शुरू किया कि बाबर आजम सिर्फ बाइलेटरल सीरीज में ही परफॉर्म करते हैं और अब तो कुछ लोगों ने अपने स्टेट्स का कंपैरिजन भी बाबर आजम के साथ शुरू कर दिया है। वर्ल्ड कप 2023 जिसमें पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान से हारी और ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई, और जब टीम पाकिस्तान वापस आई तो बाबर आजम ने कैप्टेंसी से रिजाइन कर दिया। ऐसा 2019 में सरफराज के साथ भी हो चुका था। अब शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान का कैप्टन बना दिया जाता है, लेकिन इनकी कैप्टेंसी सिर्फ एक सीरीज ही चली और बाबर आजम इस सीरीज में एज अ वन मैन आर्मी परफॉर्म करते हैं और हेटर्स के मुंह पर ताला लगाते हैं। इसी के चलते बाबर आजम को 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए दोबारा कैप्टन बना दिया जाता है, बट इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई और अब बाबर आजम को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद बाबर ने खामोशी तोड़ी और यूं जवाब दिया। क्या पाकिस्तानी टीम को दोस्ती यारी ने तबाह किया है? इसका जवाब मैं यूं दूंगा कि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में बाबर ही कैप्टन थे और यही प्लेयर्स फखर, शादाब, इमाद वगैरह यही प्लेयर्स थे और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और बाबर आजम की कैप्टेंसी भी लाजवाब थी। और देखा जाए तो 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर भी मेजॉरिटी यही प्लेयर्स थे, बट अकेला कैप्टन कभी भी किसी टीम को मैच नहीं जितवा सकता। टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैप्टन की गाइडेंस को फॉलो करें और अपने लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क के लिए खेलें। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।